दोस्तों 10th केमिस्ट्री के लिए कुछ इम्पोर्टेंट IUPAC नाम देख लेते हैं जो कि बार बार पूछे जाते रहे आपकी बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है, यहाँ पर CHO समूह कौन सा है, एल्डिहाइड समूह है, और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, एक और दो तीन है, तीन को प्रोप बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, नल, प्रोपेनल, एल लगाते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास CH3OCH3 में कौन सा ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, और इसका नाम लिखते हैं एल्कॉक्सी एल्केन के पैटर्न पे, तो एक तरफ से हम लिख देंगे इतने को, CH3O को लिख देंगे मेथॉक्सी, बचेगा एक कार्बन तो इसको लिख देंगे मेथेन, तो इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, मेथॉक्सी मेथेन, ये सेकेंड नंबर वाला है मेथॉक्सी मेथेन। अगला इसी तरह का है, अब यहाँ पर CH3O को तो हम मेथॉक्सी लिखेंगे, लेकिन इधर दो कार्बन शेष रहते हैं तो इधर हो जाएगा एथेन, दो कार्बन के लिए एथ होता है ना, आपको गिनती आती होगी मेथ एथ प्रोप ब्यूट वाली, तो मेथॉक्सी CH3O क्या हो गया मेथॉक्सी, और C2H5 है तो दो कार्बन से हमें एथ लिखना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। सभी इंपॉर्टेंट हैं आपकी 10th की एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास C2H5COOH, इसमें तीन कार्बन है और कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है COOH, तो इसमें ओइक एसिड लगाएंगे, तो तीन कार्बन है तो तीन को प्रोप बोलते हैं, और ओइक एसिड जब लगाएंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक अम्ल। C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो दो कार्बन है, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं हम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर Cl क्लोरो ग्रुप है और दो कार्बन है, इधर एल्केन की चेन एथिल समूह है, तो इसको बोलेंगे हम क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन, क्या नाम हो गया इसका, क्लोरो, Cl फॉर क्लोरो और दो कार्बन है तो दो कार्बन का एल्केन लिख देंगे एथेन, अगर यहाँ पे ब्रोमो होता तो ब्रोमो एथेन लिखते, अगर फ्लोरो होता तो फ्लोरो एथेन लिखते। इसी तरह से यहाँ पर अब देखिए कीटोन ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3COCH3 है, तो ये कीटोन है और कीटोन का नाम लिखते हैं हम एल्केनोन 2 करके, तो यहाँ पर दूसरे पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप है, एक दो तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन या फिर प्रोपेनोन 2 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है।